हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको एक ज़बरदस्त बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं। मैं यहां हूं दरभंगा बिहार के अंदर, मैं अशरफ एंटरप्राइजेज में आया था। मैंने इनकी वीडियो दिल्ली में भी बना रखी है, दिल्ली में भी इनकी ब्रांच है और यहाँ दरभंगा बिहार के अंदर भी इनकी ब्रांच है। जो भाई दिल्ली आराम से जा सकते हैं वो दिल्ली से माल ले सकते हैं और जो यहाँ बिहार में है वो या बिहार से ले सकते हैं। यहाँ देखते हैं यहाँ इनके पास कौन कौन सा मटेरियल है, किस तरीके का मटेरियल मिलता है, किस तरीके का बिजनेस की शुरुआत करने में हेल्प करते हैं, यहाँ चलकर सारी चीज़ें जानते हैं और इनसे मिलते हैं कि किस तरीके का बिजनेस यहाँ पर ये प्रोवाइड करवाते हैं। सबसे पहले एक कस्टमर आए हुए नेपाल से, मैं उनसे आपसे बात कराता हूँ और उनसे यहाँ का फीडबैक दिलवाता हूँ। हेलो सर। जी सर, नमस्ते सर। आप अपना नाम और अपनी जगह का नाम बताएंगे? मेरा नाम विजेंद्र प्रतिहस्त, मैं जनकपुर नेपाल से हूँ। नेपाल से आए सर? जी जी। यहाँ पे यहाँ के बारे में कैसे पता चला सर आपको? YouTube पे देखा था, इसके बाद यहाँ पे विजिट किया। ठीक है। अब बहुत सारे बंदे ये यकीन नहीं करेंगे, ये सोचेंगे कि हम किसी ऐसे फालतू में वीडियो बनवा रहे हैं और फालतू में फीडबैक दिलवा रहे हैं। सर अगर आपके पास कोई आईडी हो? है आईडी। है आईडी। ये रहा मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, देखिए। ये देखिए दोस्तों, ये इनका ड्राइविंग लाइसेंस है नेपाल का। आपको लग रहा होगा हम फालतू में वीडियो बनवा रहे हैं, नहीं, ये इनका नेपाल का ड्राइविंग लाइसेंस है ना। तो सर आपको यहाँ पे आके कैसा लगा, इनका बिहेवियर कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत सहयोगी, सहयोग करते हैं और वो आइडिया भी देते हैं। और इनके रेट है वो औरों के मुकाबले कैसे हैं? जेन्युइन है, जेन्युइन रेट है। जी जी जी। आपको यहाँ पे आके संतुष्टि मिली? हाँ हाँ, बहुत। ठीक है सर, आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? वही कि जो इनका एक चैनल भी है और जो वो चैनल पर जो दिखाते हैं, जो बोलते हैं, वो वही चीज़ यहाँ पर उपाया जाता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। दोस्तों यहाँ पर सर से बात कराते हैं और उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पर किस तरीके का बिजनेस प्रोवाइड कराते हैं और लोगों को किस तरीके से हेल्प करते हैं। तो हेलो सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और अपने बारे में कुछ बताइए। सर मैं अशरफ एंटरप्राइज से बोल रहा हूँ, दरभंगा बिहार से। ठीक है। मेरी ऑफिस दिल्ली मोड़ से 2 किलोमीटर NH पे पूरब की तरफ, रानीपुर गोपालपुर चौक कहलाता है। ठीक है सर। इस जगह में है, NH पे ही है। और आज कौन सी मशीन के बारे में बताने वाले हो सर आप? मैं सर आपको एक बैंड सीलर मशीन आई है। बैंड सीलर जी, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि जिससे आपको कई तरह के सामान पैक करके बेच सकते हैं, लड़ी में ले बेच सकते हैं, ग्रीन पैड वगैरह पैक करके बेच सकते हैं। इससे आप ग्रीन पैड वगैरह पैक कर सकते हैं सर। जी सर। दोस्तों ये वही बैंड सीलर है जो आपने मेरे चैनल पर काफ़ी वीडियो में देखी होगी, दिल्ली में भी हमने इनकी वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको ये बैंड सीलर चाहिए, अगर आप बिहार के आसपास में रहते हो तो आप यहाँ दरभंगा से ले सकते हो, अगर आप दिल्ली के आसपास में रहते हो तो आप त्रिनगर से ले सकते हो, जहाँ आपको सुटेबल हो वहाँ से आप ले सकते हो। इस एक मशीन से आप बहुत सारी चीज़ों को पैक कर सकते हो, हर तरीके की लड़ी, हर तरीके के पाउच। सर जो एक ग्रीन पैड है इसके लिए, मतलब ये इसका पूरा रॉ मटेरियल आपके पास मिल जाता है? रॉ मटेरियल मिल सकते हैं। ये देखिए इसके लिए पन्नी है, ये पाउचेज लड़ी आपको मिल जाएगी, इसके लिए पैड है जो ये पैड आपको मिल जाएंगे 3x4 और 4x5, इसमें 2 साइज होते हैं, पैड कहलाता है जो हमारे पास सारे स्टॉक होते हैं। वो भी आपको स्टॉक भी दिखाएंगे और पूरी चीज आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आप 3 kg पैड होते हैं, तो लोग 2-in-1 करके इसमें ब्लिस्टर वगैरह, स्क्राइबर और ये ग्रीन पैड दोनों मिला के पैक करके बेचते हैं लोग। स्क्राइबर जो है आप जिस तरह के आप स्क्राइबर वगैरह मिलते हैं कॉम्बो पैकिंग करके बेचते हैं लोग। एक मिनट आपको मैं दिखाता हूँ। मैं ठीक है, मैंने इसको खोल लिया, इसमें बड़े साइज में जोड़ते हैं। अब ये दोनों ये है और आपको रेपर के अंदर में उन्होंने डालकर, ये सर ने एक नया तरीका हमें बताया है, स्क्रबर और ग्रीन पैड दोनों को एक साथ बड़े वाले पाउच में पैक करके भी आप मार्केट में सेल कर सकते हो। अच्छे खासे मुनाफे होते हैं जो पेपर से आप बनाते हैं, तो उससे ज़्यादा इसमें आपका खर्च कम है और इनकम ज़्यादा है इसके। दोस्तों इसमें बेनिफिट ये होता है कि इसमें आपको स्क्रबर मशीन नहीं लेनी होती और आप इस मशीन से इसे आराम से सेल कर सकते हैं। आप एक मशीन लगाकर इस तरीके से पैक करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए जो ये 3x4 है और 4x5 है, 3x4 को अगर आप पैक करते हो लड़ी के अंदर तो वो आपकी 2700 रुपये तक तैयार हो जाती है और वो 50 रुपये प्लस बिकती है, और अगर 4x5 को पैक करते हो तो वो आपकी 40 से 45 रुपये के बीच में पैक हो जाती है और 70 रुपये प्लस बिकती है। तो दोस्तों इनमें मार्जिन बहुत है और ये रेगुलर यूज होने वाली चीज़ें हैं, ये ऐसी चीज़ें नहीं है जो बंद हो जाएंगी।
दोस्तों ये मार्केट में हमेशा चलती है, हर घर में यूज होती है, तो इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों अब आपको इस मशीन से डेमो करके दिखाया जाएगा कि इस मशीन से हम स्क्रबर को कैसे पैक कर सकते हैं या कोई भी लड़ी हो उसको कैसे सील कर सकते हैं। ये देखिए सर, अभी चला के दिखाएंगे इसको। अब इसको यहाँ पकड़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको पीछे सेट करना है इसको और ये अपने आप ऑटोमेटिकली पैक होता चला जाएगा। इसकी हम स्पीड को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो वो सब चीज़ें हम अपने हिसाब से। इसमें देखिए ये स्पीड बढ़ा दी, इसको स्पीड को कम कर दिया, ये सब काम इसी मशीन से हो जाते हैं। अब देखिए मैं आपको स्पीड बढ़ा के दिखाता हूँ, ये स्लो कर दिया हमने और इसको हमने फास्ट कर दिया, तो वो सारी चीज़ें हम इससे ऑपरेट कर सकते हैं वो अपने हिसाब से, अगर हमारी स्पीड है। अब आपको एक स्क्रबर और पैक करके दिखाया जाएगा इसमें। पहले ये देखिए, ये पहले खाली है, इसको भर के दिखाते हैं कैसे भरा जाता है। ये लीजिए सर, इसके अंदर बड़े आराम से आप इसको ऐसे डाल सकते हो, ठीक है, ये खुले होते हैं, आप इसमें बड़े आराम से इसको डाल सकते हो। ये देखिए, आपको कुछ ही नहीं करना, आपके घर में महिलाएं हो, बच्चे हो, कोई भी हो, वो इसे पैक करवाने में आपकी बड़ी हेल्प कर सकते हैं और आप इसे आराम से पैक कर सकते हो। इसको पैक करना भी कोई ज़्यादा डिफिकल्टी वाला काम नहीं है। ये देखिए, अब इसकी स्पीड का हमको कम किया और यहाँ से पैकिंग करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे चला सकते हो, अगर आपको फास्ट काम करना है आप फास्ट कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप अपने हिसाब से इसे ऑपरेट कर सकते हो। इसमें ज़्यादा कोई भी डिफिकल्टी वाला काम नहीं है। सबसे बड़ी बात है आपकी ये मशीन पहली बात तो कभी ख़राब नहीं होती और इसके साथ आपको एक साल की वारंटी भी मिलती है। अगर एक साल तक मशीन में कोई भी दिक्कत आती है तो वो आप यहाँ से ठीक करवा सकते हैं। वैसे तो ये कभी ख़राब होती नहीं अगर आप इसको ढंग से ऑपरेट करोगे तो। ये देखिए ये कितना, एक बार आप जूम करके दिखाइए, ये देखिए कितनी अच्छी सीलिंग इसमें आई हुई है। ये इस तरीके से एक ब्रांड की तरह सील हो जाता है कि आपने बड़ी ऑटोमेटिक मशीन से इसे सील किया हुआ है, इस तरीके से ये सील हो जाता है। और एक ये है कि सर हम लोग मटेरियल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, सिर्फ मशीन पे ही नहीं, मशीन के साथ कोशिश पूरी रहती है कि मटेरियल प्रोवाइड करा के देते हैं, सारा मटेरियल अवेलेबल रखते हैं। एक टाइम पे यहाँ मशीन अवेलेबल ना हो, मशीन ना आई हो, पर आपको रॉ मटेरियल हमेशा अवेलेबल मिलेगा। जो भी आपको रॉ मटेरियल चाहिएगा वो रॉ मटेरियल आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। आपको रॉ मटेरियल दिखाते हैं, ये सब देखा जाए, ये सारे स्क्राइबर वगैरह पड़े हुए हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे स्क्राइबर इस तरीके से आपको मिल जाएंगे, ये आपको पाउच वगैरह, ये पाउचेज जो है वो मिल जाएंगे। ये सर इसमें पैड वगैरह हैं, अब ग्रीन पैड वगैरह इसके अंदर पड़े हुए हैं। ये छोटे पाउचेज भी आपको मिल जाएंगे अगर आपको मसाले वगैरह पैक करने हैं। उस आप देख रहे हैं पैड वगैरह सारे पड़े हुए, ये देखिए ग्रीन पैड आपको मिल जाएंगे 3x4 का, जो मतलब आपको पूरी क्वांटिटी में यहाँ पे माल मिलने वाला है, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके का रॉ मटेरियल यहाँ से खरीद सकते हैं, जो भी दिखाया जाता है वो सारा अवेलेबल होता है यहाँ, हर चीज। ये चाय के पाउचेज हैं और ये देखिए ये लौंग के पाउचेज है, ये काली मिर्च है, काली मिर्च के पाउचेज है। अगर आप ये लड़िया है और आपको पाउच चाहिए हो, मल्टीपर्पज पाउच चाहिए हो या सिंगल पाउच चाहिए हो, तो वो भी आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे। इलायची है, ये देखिए इलायची है, मैं आपको दिखा देता हूँ सारे। और ये आपको इस तरह के जो मल्टीपर्पज पाउच भी आपको यहाँ बड़े आराम से मिल जाएंगे। और आने वाले टाइम में आपको हल्दी धनिया मिर्च के पाउचेज भी मिलने वाले हैं, मिलेंगे हल्दी हो गए, धनिया हो गए, मिर्ची हो गए, जो भी है वो सारे। ये हल्दी धनिया मिर्च के पाउचेज है, इनकी लड़िया भी आपको मिलेगी, लड़िया भी आपको दिल्ली में सबसे पहले अवेलेबल हो जाएंगी। ये देखिए ये इलायची के पाउचेज है, इस तरीके से यहाँ बहुत सारे पाउचेज रखे हुए हैं, लड़िया रखी हुई है, आपको जो चाहिए वो आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। दोस्तों आपको अगर रेडी मटेरियल चाहिए, जैसे ये ब्रशेज हो गई और ये स्क्रबर हो गए, आपको कुछ भी चाहिए हो, ये टूथब्रश हो गए इस तरीके से, वो सब आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। आपको रेडी चाहिए, रेडी भी मिल जाएगा। आपको मशीन चाहिए इनकी पैक करने के लिए, तो वो मशीन भी आपको यहाँ से अवेलेबल करा दी जाएगी।
दोस्तों मैं आपको यही कहता हूँ, अगर आप दिल्ली में दिल्ली के आसपास रहते हो तो आप दिल्ली से माल ले सकते हो, अशरफ एंटरप्राइजेज, उसका एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप बिहार के आसपास में रहते हो तो यहाँ दरभंगा आके यहाँ से माल खरीद सकते हो। दिल्ली में बस स्टैंड, एयरपोर्ट भी आपको नज़दीक है, दोनों नियर में है, एयरपोर्ट भी है, बस स्टैंड भी है, आप आने में कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप आ सकते हो। जिस तरीके से भी आप आना चाहो, वहाँ से जो आपको सूटेबल हो, जो एरिया आपको सूटेबल लगे, वहाँ से आप रॉ मटेरियल खरीद सकते हो। यहाँ आपको रॉ मटेरियल भी मिलेगा, यहाँ आपको मशीनें भी मिलेगी, हर चीज़ का सॉल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा। जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। सारा मसाला पैकिंग करने वाली पेपर, ये देखिए सारे पेपर वगैरह रखे हुए हैं, ब्रशेज रखी हुई है, ये सब कुछ आपको मटेरियल यहाँ से मिलने वाला है। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा, अगर आपको बिजनेस शुरू करना, अगर आप बेरोजगार हो, खाली हो, तो आप किसी भी तरीके का, चाहे आप यहाँ से रॉ मटेरियल खरीद के लेके जाओ, या चाहे पैकिंग मटेरियल खरीद के लेके जाओ, या फिर तैयार माल खरीद के लेके जाओ, आपको जो भी चाहिए वो आप यहाँ से खरीद के अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, आप एक 18,000 की मशीन लेकर, बैंड सीलर मशीन लेकर अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। एक इस मशीन से आप हर तरीके के पाउच, हर तरीके की लड़िया, स्क्रबर, ग्रीन पैड, सब कुछ सील कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, उनका रॉ मटेरियल भी आपको यहीं मिल जाएगा, आपको कहीं इधर उधर घूमने की कहीं ज़रूरत नहीं मिलेगी। जब एक बात बताइए, सबसे बड़ी बात है, ये भाई साहब नेपाल से आए, नेपाल के बंदे यहाँ पे आके माल खरीदते हैं, तो सोचिए यहाँ पे कितनी अच्छी क्वालिटी का और कितने चीपेस्ट रेट में सामान मिलता होगा, तभी यहाँ से खरीद रहे हैं। ना तो मार्केट में ख़रीदने के लिए बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे ट्रेडर हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर, उनसे भी खरीद सकते हैं, पर यहाँ से ख़रीद रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ बात है, इनका बिहेवियर अच्छा है, और यहाँ पर इनको बिल्कुल चीपेस्ट रेट और बहुत अच्छा रेट यहाँ से मिलता है मार्केट्स के। तो सर जाते जाते एक चीज़ हमें बता दीजिए कि अगर किसी को यहाँ विजिट करना है तो यहाँ का एड्रेस क्या होगा? ये NH 57 है, ठीक है, दिल्ली मोड़ कहलाता है, दरभंगा बस स्टैंड, दरभंगा और नियर एयरपोर्ट भी है, ठीक है, बस वहीं पे आने के बाद इस जगह को रानीपुर कहते हैं जी, रानीपुर, और नियर में जो है श्रीनाथ मार्बल है, ठीक है, और एक तरफ नियर में, दूसरी तरफ चौधरी पेट्रोल पंप है, दोनों के बीच में ये आपको NH 57। दोस्तों आप यहाँ दरभंगा बस अड्डे के पास आके कॉल कर सकते हो, आपको पूरी लोकेशन समझा दी जाएगी, आपको फ़ोन पे भी लोकेशन चाहिए तो वो आपको भेज दी जाएगी। बाकी दोस्तों अगर आपको किसी भी तरीके का बिजनेस करना है तो आप यहाँ से अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बाकी दोस्तों आपकी मर्जी, जैसे आप करना चाहो। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अलग धमाकेदार बिजनेस आइडिया के साथ। तो दोस्तों आपको यहाँ पर इस तरीके की मशीन भी ये मिल जाएगी। इस तरीके की मशीन चाहिए हो या हाइड्रोलिक मशीन चाहिए हो, आपको जो भी मशीन की रिक्वायरमेंट हो वो आपको सब मिल जाती है। ये पूरा बोर्ड है, मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा दूंगा इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। आपको किसी भी तरीके की मशीन चाहिए हो तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके उस मशीन को अवेलेबल करा सकते हैं।